हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज एक्शन प्लान 2021 की घोषणा कर दी है। हालांकि कोविड-19 के चलते इस बार हज यात्रा के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं। इस बार सिर्फ 18 से 65 साल के लोगों को ही हज की अनुमति होगी। हज आवेदन फॉर्म 7 नवंबर से मिलेंगे। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर है। बिना महरम यानी पुरुष रिश्तेदार के हज जाने वाली महिलाएं 4 महिलाओं की बजाय सिर्फ 3-3 का ग्रुप बनाकर आवेदन कर सकेंगी। इन महिलाओं के लिए 500 सीटें आरक्षित की गई हैं। अगर आवेदन फॉर्म कोटे से अधिक जमा हुए तो जनवरी 2021 में कुरानदाजी यानी लॉटरी निकालकर यात्रियों का चयन किया जाएगा। इस बार पीएम के संसदीय क्षेत्र से हज के लिए उड़ान नहीं भरी जाएगी। इस साल लॉटरी में चयनित हज यात्रियों को हज खर्च की पहली किश्त 81,000 रुपए की बजाय 1,50,000 जमा करना होगा 1 मार्च 2021 तक और आखिरी किश्त जमा करनी होगी। हज कमेटी ने अभी हज खर्च की पहली किश्त और कुल हज खर्च की घोषणा नहीं की है। हज यात्रियों की सऊदी अरब रवानगी 26 जून से शुरू होगी और 13 जुलाई को आखिरी उड़ान जाएगी। इस साल 30 जुलाई को हज होगा। हज यात्रियों की वापसी 14 अगस्त से शुरू होगी। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सभी राज्य हज कमेटियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण काम फरवरी 2021 में होगा और 10 दिसंबर तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। हज कमेटी ने कोविड-19 के चलते अभी बिल्डिंग सिलेक्शन टीम व बिल्डिंग सिलेक्शन कमेटियां विदेश मंत्रालय भारत सरकार हज कमेटी ऑफ इंडिया और काउंसिलेट जनरल ऑफ इंडिया जेद्दा के साथ हज यात्रियों के मक्का व मदीना में ठहरने के लिए होटलों व भवनों का चयन करने की तिथि की घोषणा नहीं की है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी से हज जाने की सुविधा खत्म कर दी गई है। इस बार हज उड़ान अहमदाबाद बेंगलुरु कोच्चि दिल्ली गुवाहाटी हैदराबाद कोलकाता लखनऊ मुंबई और श्रीनगर से जाएगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.